नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पीजी टेक्नोलॉजी के हीटर के बारे में, मतलब कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें इस बॉक्स के साथ, मतलब इसके साथ क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो उसमें हमें मिल रहा है, आप देख सकते हैं, हमें पीजी टेक्नोलॉजी का इंस्टेंट वाटर गीजर मिल रहा है। ठीक है, और टूटी, और साथ में मिल रहा है दो रोल प्लग और दो कील मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ में एक मीटर का पाइप भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं, और साथ में 1 ईयर की वारंटी का पीडी टेक्नोलॉजी का कार्ड भी मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में जानती है अभी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कील बिठा दिया है, ठीक है, ड्रिल करके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर बोर्ड, ठीक है, 16 एम्पीयर का चाहिए, ओके, और यहाँ पे है नल। ठीक है, तो हमें बॉक्स के साथ क्या क्या मिला है, एक टूटी मिली है, 1 मीटर का पाइप मिला है ना, तो हमें क्या करना है, जो टूटी मिली है ना हमें, तो यहाँ पे मैंने पाइप में फिट कर दी है। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। तो मैं यहाँ पे ये नल को, हाँ, तो यहाँ पे हमने टूटी और पाइप फिट करके रखी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको ये हैंग करना है, यहाँ पे मैंने, हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले तो टूटी में पाइप लगा के यहाँ पे फिट कर दिया नल को, और ये पाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जॉइन कर दिया है, और यहाँ पे मैंने कील लगाया था, तो उस पर मैंने इसे हैंग किया है, हीटर को अच्छी तरह से बिठाया है मैंने, और यहाँ पे बोर्ड है आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने लगा दिया यहाँ पे, और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नल का कॉक चालू करना है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, देखिए मैंने नल का कॉक चालू कर दिया है। हाँ, जैसे यहाँ से पानी आ रहा है, जैसे बाहर यहाँ से पानी आएगा, उसी समय आपको स्विच को, जो बोर्ड है, ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी पानी आ रहा है, हाँ, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉक नल को चालू कर दिया है, पाइप से पानी आपको हीटर से बाहर मिलेगा, जैसे पानी बाहर आएगा वैसे आपको पावर पॉइंट चालू करना है। ठीक है, जैसे आप पावर पॉइंट चालू करेंगे, विद इन सेकेंड 4 से 5 सेकेंड में आपको गर्म पानी मिलना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4 से 5 सेकंड में आपको गर्म पानी मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एक रेड लाइट और एक ग्रीन लाइट। ठीक है, तो रेड लाइट आपको ये बता रही है कि आपका पावर ऑफ सप्लाई चालू है। ठीक है, और ग्रीन लाइट आपको ये बता रही है कि आपका हीटर चालू है, मतलब कि जो अभी जो प्रोसेस हो रही है उसमें पानी अभी गर्म निकल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं विदिन सेकंड में आपको गर्म पानी मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं गर्म पानी तो 4 से 5 सेकंड में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, मिल रहा है, बहुत ही गर्म है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इन केस अगर पानी का सप्लाई बंद हो जाए अपने आप, मतलब कि टंकी में से पानी पूरा ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कॉक, जो पानी सप्लाई का कॉक है, अगर मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, मैंने अभी ऑफ कर दिया पानी सप्लाई, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन जो लाइट है, आप देख रहे हैं ना, एक ग्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, बस रेड लाइट ही आपको दिख रही है, इसका मतलब पावर अप सप्लाई चालू है, लेकिन हीटर ऑफ है क्योंकि पानी का सप्लाई अभी ऑफ है। ठीक है, इन केस ऑटोमेटिकली, मतलब पानी सप्लाई ऑफ होने के बाद ऑटोमेटिकली हीटर भी ऑफ हो जाएगा, लेकिन पावर सप्लाई ऑन रहेगा। अगर मैंने फिर से अपने टंकी में पानी चढ़ा दिया और फिर से अपने कॉक चालू किए, उसी प्रोसेस में अभी भी पावर अप सप्लाई चालू है, मैंने वाटर अप सप्लाई ऑन कर दोगे, देखिए मैंने यहाँ पे वाटर सप्लाई ऑन कर दिया है, तुरंत वहाँ पे ग्रीन लाइट इंडिकेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ग्रीन लाइट वहाँ पे आपको दिखाई देगी, आ जाएगी।
देखिए जैसे मैंने वाटर अप सप्लाई ऑन कर दिया वैसे आपको ग्रीन लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगी। ठीक है, ग्रीन लाइट ऑन हो गई मतलब क्या कि आपका हीटर ऑन है, मतलब कि आपके जो पानी आपको मिल रहा है, जो प्रोसेस है पानी के मिलने की, गर्म होने की, वो अभी चालू है, बहुत ही ज़्यादा हॉट है।